एक्स मिनिस्टर बलराम त्रिपाठी और उनके ग्रुप पर अटैक हुआ है सर। लगभग 30 लोगों की लाशें मिली हैं सर। बलराम त्रिपाठी के हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एनी क्लूज और आई विटनेस? नो सर। सूरज, इस सिटी में बलराम त्रिपाठी के जितने भी दुश्मन हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाओ। सर, सिटी में उसकी बहुत सारे लोगों से दुश्मनी थी। इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है सर कि ये एक पूरी तरह प्लान किया हुआ हमला था, इसीलिए शायद कोई भी बच नहीं पाया। सभी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो, यू माइट गेट समथिंग। ओके सर। और त्रिपाठी के बेटे के बारे में कुछ पता चला? भाग गया क्या? सरकार, आपके बारे में सब जानने के बावजूद भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा ऐसा नहीं होगा सरकार, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मेरे प्राण बख्श दीजिए सरकार। इस महल के झंडे में कौन सा रंग भरने से इसकी शोभा बढ़ेगी भंडारी? सरकार, कौन सा रंग भरने से इसकी शोभा बढ़ेगी भंडारी? रेड, लाल रंग भरने से शोभा बढ़ेगी सरकार। लाल रंग अच्छा लग रहा है सरकार। हे किशन बेटा, त्रिपाठी साहब की मौत की खबर सुनकर बुरा लगा। कौन है वो जिसने यूपी के शेर का शिकार किया? वो चाहे कोई भी हो, साले के घर में घुसकर ठोकूंगा उसे। अगर पाताल में भी छुपा होगा तो वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं उसे जानता हूँ सरकार, बस एक मामूली सा बावर्ची है। क्या वो एक बावर्ची है? हाँ, लेकिन उसे कमजोर समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है, पसीना छूटने लगता है। मुझे कांपने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तू किसी मामूली आदमी के सामने नहीं खड़ा है, सरकार के किले में आया है। उस बावर्ची को मेरे आदमी ठिकाने लगा देंगे। कहाँ मिलेगा वो? हमें लगा था कि दामाद जी हमारी बिटिया के लिए कर्नाटक आएंगे, लेकिन दामाद जी आपने तो हम सबको ही लखनऊ बुला लिया। कम ऑन अंकल, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर हैं आप, आपको तो पता है हम पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे मदन, चाहे कुछ भी कहो, यहाँ की अंतिम क्रिया की रस्म में और अपने यहाँ की रस्म में जमीन आसमान का फर्क है, क्यों है ना? अंतिम क्रिया होती है, क्या मतलब है कि यहाँ अलग होती है वहाँ अलग होती है? यहाँ के लोग अगरबत्ती के बजाय पाइनएप्पल केक रखते हैं क्या? वो तो मैं शांत स्वभाव का हूँ, इसीलिए सबको झेल रहा हूँ। भागता कहाँ है बे? दिन रात बुढ़ा प्रवचन देता रहता है। ए भूषण, राघव कहाँ है? सिलेंडर। माना कि आपने जिनको भेजा है वो सबके सब राक्षस हैं, लेकिन वो उनसे भी बड़ा राक्षस है जो उन सबको खत्म कर देगा। सरकार की दृष्टि पड़ने से बड़े बड़े राक्षस कांप उठते, तो सोच एक बेचारे बावर्ची का क्या हाल होगा। अकल घास चरने गई है क्या? मैं तो इतने सालों से लोगों की तिथि मनाता आया हूं, और तेरा नसीब तो देख, मुझे ढूंढते ढूंढते शमशान ही आ गया। समझ गए सर। क्या बेटा, सेलिब्रेशन के समय भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है अंकल, एक हाई प्रोफाइल केस है, कमिश्नर साहब से थोड़ा प्रेशर है।
एनीवे सूरज, मीट माय फादर इन लॉ सत्यदेव शर्मा, रिटायर्ड कमिश्नर ऑफ पुलिस। सर सर मैं चलता हूँ सर, बाय सर। ओके सूरज, कैन आई सी द पिक? श्योर सर। ये आदमी सस्पेक्ट है, परसों वो एक्स एमएलए का मर्डर हुआ था ना, उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बगल के एरिया की सीसीटीवी फुटेज में ये आदमी दिखा था। बेसिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये आदमी एक कुक है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और इसका एक बेटा भी है, और इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसका नाम? राघव सर। ओह, इसका एक बेटा है कह रहे थे ना सन? यस सर। उसकी फोटो है? शो। ये इसका बेटा है सर। इसका नाम? अर्जुन सर। क्या हुआ अंकल? समथिंग इज फिशी। कैन आई गेट अ स्केच पेन? हेलो सरकार। क्या रे, कोई भी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कैसे उठाएंगे सरकार, वो सबको ठोक चुका है, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। क्या बकरा रे, मेरा भी नंबर आ गया। हेलो सरकार, मैंने कहा था ना कि उसे टपकाना इतना आसान नहीं है। पहले हमले से बात नहीं बनी तो क्या हुआ? सरकार दूसरे हमले के लिए भी तैयार है। जान। टारगेट इनसाइट, वो अकेला ही चलकर आ रहा है, लेकिन मेरी फायरिंग रेंज में आने के लिए उसे 80 मीटर और आगे आना होगा, तभी मैं क्लियर शॉट ले सकूंगा। शाबाश मेरे शेर। साला एक बावर्ची ने मेरे चार आदमियों को टपका डाला, चल उसको ठोकने से पहले उसके दर्शन तो करवा। कौन है वो, जरा दिखा तो, फोन निकाल, जरा फोटो दिखा। टीवी से कनेक्ट कर जल्दी। जॉन, उसने तेरे को देखा क्या? नहीं, पर वो मुझे दिख रहा है। इससे पहले कि वो तुझे देख ले, उसे जल्दी से शूट कर दे, नहीं तो बाकी सब की तरह वो तेरे को भी ठोक डालेगा। शूट कर उसको, शूट कर जॉन। करूंगा सर, बस 50 मीटर की दूरी है। 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। टारगेट फिक्स। शूट कर उसको। शिट, क्या हुआ? वो मेरी रेंज से गायब हो गया सर। ए, वो कभी किसी की रेंज में नहीं आता, उसकी रेंज ही अलग है।
और अगर वो तेरी रेंज से गायब हो गया तो मतलब तू उसकी रेंज में आ चुका है, समझा? भाग ले वहां से जॉन। सरकार आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? आप इस राघव को जानते हैं क्या? ये कोई राघव आघव नहीं है। राघव तो उस बच्चे के पिता का नाम था। तो फिर ये कौन है? उस बच्चे के पिता का कातिल है ये रॉबर्ट। रॉबर्ट दुकान पर क्या मस्त वाली गन्स मिल रही है, दिलाओ ना प्लीज। गन्स अच्छी चीज नहीं होती बॉस, ढोल दिलाता हूँ उससे खेलना। हाँ क्या यार बॉस।